सर्दियों का सूरज तेजी से मगरिब की तरफ झुकता चला जा रहा था। रंगवाली गांव में दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। गांव से चंद खेत दूर बाबे खुदाबख्श का कुआं था। बैलों की जोड़ी चक्कर काट रही थी और खाले में सफेद चमकीला पानी तेजी से बहता चला जा रहा था। गांव की कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। इनमें छोटी बच्चियां भी थी, लड़कियां भी और दो चार दरमियानी उम्र की औरतें भी। पास ही चंद बच्चे मलेशिया की शलवार कमीज पहने खेलकूद में मसरूफ थे। शानी को पानी नहीं भरना था, वो बस यूं ही अपनी सहेली स्कीना के साथ कुएं पर चली आई थी। शाम के वक्त शानी को हवेली से बाहर निकलना और खुली हवा में घूमना अच्छा लगता था, खासतौर से जब स्कीना साथ होती थी उसे ज्यादा लुत्फ आता था। स्कीना इसके बचपन की सहेली थी। स्कीना एक आम काश्तकार की बेटी थी, जबकि शानी गांव के चौधरी इरशाद की इकलौती धीरानी थी। दोनों की हैसियत में नुमाया फर्क था, मगर इनकी दोस्ती हर चीज से बालातर थी। दोनों हवेली के अंदर और बाहर चिड़ियों की तरह चहकती फिरती थी। गांव की सारी गली और रास्ते ने अपने घर के सेन जैसे लगते थे। गांव के सब लोग भी तो जाने पहचाने थे, कोई चाचा था, कोई मामा, कोई भाई, हर बूढ़ी औरत बेबे और हर दरमियानी उम्र की औरत मासी थी। गांव की फजा में एक गहरा अपनापन था। इसी अपनेपन का एजाज था कि गांव की लड़कियां घर की चार दीवारी से बाहर भी आजादाना चेहरे करती थी और इनके हंसी मजाक से कुर्बो जवार गूंजते थे। उस रोज भी कुछ ऐसी ही फजा बनी हुई थी। शानी ने शरारे से सुगरा को मिट्टी का ढेला मारा था। अब सुगरा और शमीम पानी से भरी कटोरी लेकर शानी के पीछे भाग रही थी। वो दोनों भी नुखेज थी, लेकिन शानी के बदन में चुस्ती और लचक इन दोनों से ज्यादा थी। इसने बड़ी आसानी से इन्हें दो तीन चकमे दिए और रास्ते की तरफ निकल आई। सामने से स्कीना झपटी। स्कीना से बचने के लिए शानी ने तेज रफ्तार हिरनी की तरह खुद को एकदम रोककर रुख फेरा, और यही वक्त था जब इससे गलती हुई। वो अपने खेल में इतनी मगन थी कि सामने से आने वाले तेज रफ्तार घुड़सवार को नहीं देख सकी। घुड़सवार ने शानी को बचाने के लिए जोर से लगामें खींची। घोड़ी की गर्दन ऊपर को उठी और वही नाती हुई जरा तिरछी हो गई। बहरहाल इसकी रफ्तार में अभी कोई खास कमी नहीं हुई थी। घुड़सवार का एक घुटना शानी के कंधे से टकराया और वो लुढ़क कर कीकर के एक दरख्त से जा लगी। चंद गज आगे जाकर घोड़ी रुक गई। शानी गिरते गिरते बची थी, फिर भी दरख्त के साथ टकराने से इसकी एक कोहनी छिल गई थी। लड़की और औरतें एकदम शानी की इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। इसकी आस्तीन उठा ली गई। गोरे गोरे खूबसूरत बाजू पर खराश की सुर्खी नुमाया दिखाई दे रही थी। घुड़सवार दो थे, एक जवान साल था, अपने लिबास से खाते पीते घराने का नजर आता था। शानी को अंदाजा हुआ कि इसने एक दो बार पहले भी इस शख्स को कुएं के आसपास देखा है। शायद एक बार वो गांव के बाजार में भी नजर आया था। दूसरा दिन मैंने उम्र का सांवला सा शख्स था। इसके कंधे पर राइफल थी। अंदाजा होता था कि वो नौजवान का कारिंदा है। दोनों घुड़सवार घोड़ों से उतर आए थे। सकीना ने जवासाल घुड़सवार को मुखातिब करते हुए गुस्से से कहा, अंधे हो, देखकर नहीं चला जाता तुमसे। घुड़सवार मुस्कुराया तो इसकी चौड़ी नाक कुछ और भी चौड़ी नजर आने लगी। इसके कानों के नीचे गोश्त की बहुतात थी और जबड़े की साख से अंदाजा होता था कि वो एक सख्त गिर और सख्त जान शख्स है। वो इत्मीनान से बोला, ये बात तुम अपनी सहेली से कहो तो ज्यादा मुनासिब है। ज्यादा जुबान ना चलाओ, जाओ अपना काम करो। शानी ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा। इसके चेहरे पर हल्की सी तकलीफ के आसार भी थे। जवासाल शख्स ने अब दिलचस्पी से शानी की तरफ देख रहा था। बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई, इसने अपने साथी की तरफ देखकर दीदे मटकाए। बदतमीजी की जरूरत नहीं, जाओ यहां से, शानी ने फिर तैश भरे लहजे में कहा। घोड़ी से टकराने से चंद सेकंड पहले सुगरा ने शानी पर पानी फेंक दिया था। अब ये पानी इसकी गर्दन और गिरेबान को भी हो रहा था। इस गीलेपन की वजह से शानी की सांसों का उतार चढ़ाव बहुत नुमाया नजर आ रहा था। वो देही खूबसूरती की कामिल तस्वीर थी, नाजुक सुबक बदन और दूध की तरह सफेद। अब इस सफेदी में गुस्से का रंग भी घुला हुआ था। जवासाल शख्स बेसाख्ता चंद कदम चलकर इसके करीब आ गया। इसकी गर्म निगाहें शानी के सरापा से चिपकी हुई थी। इसने अपना बालों भरा हाथ आगे बढ़ाया। कहां चोट लगी है जनाब को, अंदाज में हमदर्दी से ज्यादा शरारत थी। इससे पहले कि अजनबी का हाथ शानी के जिस्म से छूता, बिजली सी चमकी। शानी ने एक कदम पीछे हटकर अपना हाथ घुमा दिया। चटाक की आवाज से एक थप्पड़ जवासाल शख्स की गाल पर पड़ा। इसका गंदमी रंग यकायक स्याही माइल सुर्ख हो गया। इसका दरमियानी उम्र का साथी अपनी जगह पर तड़प गया। इसने बड़े खूंखार अंदाज में शानी की तरफ बढ़ना चाहा। खबरदार, सकीना दीवार बनकर शानी के सामने खड़ी हो गई। सकीना से कंधा मिलाकर सुगरा खड़ी थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने चौधरी जी पर हाथ उठाया है,
दरमियानी उम्र का शख्स गरजा और इसने सकीना और सुगरा को धकेल कर शानी की तरफ बढ़ना चाहा। इसका अंदाज खतरनाक था लेकिन फिर वो रुक गया। जवासाल शख्स ने इसे अपने हाथ से रोक दिया था। नहीं अकबरे, जाने दे इसे, जवासाल शख्स ने अजीब से लहजे में कहा। इस लहजे में अमन पसंदी और दरगुजर के बजाय जंग और तैश का रंग झलकता था। दरमियानी उम्र के शख्स ने जिसका नाम अकबर लिया गया था पुकारते हुए अपने मालिक की तरफ देखा, फिर इसकी आंखों में न जाने क्या पड़ा था कि कदरे ठंडा हो गया। जवासाल चौधरी का एक गाल और कान सुर्ख हो रहा था। इसने एक हाथ से होली होली अपने गाल को सहलाया। इसकी तेज निगाहें बदस्तूर शानी के सरापा पर थी। गंभीर आवाज में बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया है, चल जा अपना काम कर। एक उधेड़ उम्र औरत बोली, नहीं तो अभी गांव के मर्द आ जाएंगे, मार मार कर हाथ पैर तोड़ देंगे तुम दोनों के। जवासाल शख्स ने जैसे उधेड़ उम्र औरत की बात सुनी ही नहीं, इसकी निगाहों का तैश बदस्तूर शानी के जिस्म को छीन रहा था। मोटे मोटे सांवले होंठों पर अब एक जहरीली सी मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। कुछ ही देर बाद दोनों घुड़सवार धूल उड़ाते हुए नजरों से ओझल हो गए। सकीना ने अपनी ओढ़नी का किनारा फाड़कर शानी की कोनी पर बांध दिया। इसी दौरान में दरख्तों के अंदर से रंगवाली का साबिका चौकीदार बाबा नत्था अपनी लाठी टेकता हुआ औरतों के पास पहुंच गया। इसने यहां पहुंचने से पहले सारा वाकया तो नहीं देखा था, लेकिन जवासाल चौधरी और इसके कारिंदे अकबरे की झलक जरूर देख ली थी। लड़कियों के पास पहुंचकर बाबा नत्था बोला, क्या हुआ धीरानी, ये बंदे तुमसे क्या कह रहे थे? सकीना ने एक ही सांस में सारा वाकया क्या सुनाया और शानी की जख्मी कोनी भी दिखा दी। बाबे नत्थे के चेहरे पर तश्वीश के आसार नजर आ रहे थे। दूर कच्चे रास्ते के आखिरी सिरे पर दोनों घुड़सवारों की उड़ाई हुई धूल अभी तक बाकी थी। इस बिखरी बिखरी सी धूल के जर्रात डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और इनके अकब में कमाद के बुलंद खेत थे। बाबे नथे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे शक पड़ता है कि नारपुर का चौधरी फाखा था। चौधरी फाखा, ये कौन है? सुगरा नाक चढ़ाकर पूछा। बड़ी ओतरी शह है, बाबे नथे ने खोए खोए अंदाज में कहा और फिर लड़कियों की तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर बुजुर्गाना नाराजगी थी। शानी की जख्मी कोनी की तरफ देखते हुए बोला, इतनी छोटी सी खराश के लिए तुमने इतना झगड़ा डाल दिया। बाबा बात खराश की नहीं, वो लफंगा शानी पर हाथ डाल रहा था। सकीना ने तुनक कर कहा। बाबे नत्थे ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से कोई सोचता रहा। सुगरा ने कहा, बाबा ये नारपुर का नाम तो शायद पहले भी कहीं सुना हुआ है, लेकिन चौधरी फाखे का नाम पहली बार सुन रहे हैं। ये किस बाग की मूरी है? ये अच्छा बंदा नहीं है, इसका बाप भी एक नंबर का सख्त और क्रख जिम्मेदार था। लोग कहते हैं कि इसने अपने तीन मजारों को बिजली वाले टोके में देकर कटवा दिया था। अगर धीर रानी से थप्पड़ मारा है तो ये आसानी से नहीं भूलेगा, इसके बदले में कुछ न कुछ करेगा जरूर। क्या कर लेगा? फौज लेकर आ जाएगा, बड़े देखे ऐसे सूर में, उधेड़ उम्र औरत ने सर झटक कर कहा। लड़की हंसी मजाक की बातें करने लगी। शानी भी इन बातों में शरीक हो गई। बाबा नत्था अपनी गुमशुदा बकरी ढूंढता हुआ आगे निकल गया। बात आई गई हो गई, मामूली सी खराश थी, शानी ने घर में बताने की जरूरत भी नहीं समझी। देखा जाए तो इस वाक्य में कसूर इसका अपना ही था। वो भागती हुई खुद ही घोड़ी के आगे आ गई थी। अगर वो ये बात अब्बाजी को बताती तो सबसे पहले इसे डांट डपट होना थी, और अब्बाजी की हल्की सी डांट भी इसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। जिस प्यार से ज्यादा हो इसका मारा हुआ फूल भी तकलीफ देता है। अब्बाजी शानी को बहुत प्यार करते थे, वो इनकी इकलौती बेटी थी। दो भाई थे, एक तो कारोबार के सिलसिले में कुवैत में मुकीम था और दूसरा गांव में ही था, लेकिन इसे अपने मशगूलों से ही फुर्सत नहीं थी। घर में इसके पांव कम कम ही टिकते थे। आ जाके शानी ही थी जो रात को इनके पांव दबाती थी। जुमे की दोपहर इनके सर में सरसों के तेल या देसी घी की मालिश करती थी। इनकी खांसी की दुआ, इनकी ऐनक, पगड़ी, उद्धृति वगैरह का ख्याल रखती थी। ये चीजें चौधरी रिशाद को हमेशा मुकर्रा जगह पर पड़ी मिलती और यही हमेशा चाहते थे। यूं तो शानी की मरहूमा माँ भी इन बातों का बहुत ख्याल रखती थी, अक्सर इनसे बेपरवाही भी हो जाती थी। ऐसे में चौधरी रिशाद बड़े जिसबिस होते थे। इनकी जिंदगी में सलीका था, तरतीब थी और वो चाहते थे कि दीगर अहले खाना के रवैये में भी ये सिफात आ जाए। शानी की वालिदा तकरीबन 3 साल पहले सरतान जैसे मुजी मर्ज का शिकार होकर इंतकाल कर गई थी। इनके इलाज मुआवजे पर चौधरी रिशाद ने रुपया पानी की तरह बहाया था, और बात सिर्फ रुपये की नहीं, उन्होंने 6 माह तक हर तरह की भाग दौड़ करके खुद को भी हलकान किया था। इन्हीं दिनों में शानी को अंदाजा हुआ था कि इसके अब्बा जो बजाहिर आम से जिंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत एक दूसरे से कितनी मोहब्बत रखते हैं। शानी की माँ की मौत के बाद भी एक साल तक संभल नहीं सके थे। बाप बेटी सैकड़ों ही दफा एक दूसरे के गले लगकर रोए होंगे,
और तन्हाई में बैठकर बिछड़ने वाली को याद किया होगा। दरहकीकत चौधरानी आसिया की मौत को अहले खाना में सबसे ज्यादा चौधरी इरशाद और शानी ने ही महसूस किया था। शानी तो 3-4 माह तक बिस्तर से लगी रही थी, फिर इस ख्याल से कि इसका गमजदा बाप को इसकी जरूरत है, वो तमाम तर हिम्मत को बुरोकार लाकर समझी थी और बाप की खिदमत और दिलजोई में लग गई थी। अब इन वाकयात को 3-3.5 साल गुजर चुके थे, जिंदगी अपने मामूल पर आ चुकी थी। उस रोज शाम को कुएं पर जो वाकया हुआ तो बजाहिर शानी को भूल गया, लेकिन इसके दिमाग की गहराई में कहीं महफूज रहा। किसी वक्त बैठे बैठे अचानक इसे अजनबी की सुर्ख आंखें और चौड़ी नाक याद आ जाती। थप्पड़ खाने के बाद इसने जिन तेज बच्ची जैसी निगाहों से शानी को घूरा था, वो भी इसके जहन से महव नहीं हुई थी। बाबे नत्थे के अल्फाज भी शानी को याद थे, उसने कहा था, फाखा अच्छा बंदा नहीं है, और ये कहते हुए बाबे की बूढ़ी आंखों में अजीब सा हरास उतर आया था। 3-4 हफ्ते बाद ही जिंदगी की गहमा गामी में ये वाकया धुंधला गया। रोजो शब की उड़ती हुई गर्द बड़ी बड़ी खबरों को ढांप लेती है, ये छोटा सा हादसा भी दब गया। शाम से जरा पहले खुदाबख के कुएं पर औरतें इसी तरह पानी भरती थी, लड़कियां अठखेलियां करती थी, कुंवारियां सुहागने और उम्र की सब एक ही रंग में रंगी हुई थी। इनके करीबी बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते थे, बैलों की जोड़ी अपने दायरे का सफर जारी रखती थी, लेकिन पता नहीं क्या बात, इन मसरूफियत के दौरान में किसी भी वक्त अचानक शानी के सीने में खौफ की एक नुकीली सी शय छुप जाती थी। ऐसे में इसकी निगाह खुद ब खुद मशरिक की तरफ उठ जाती, उसी जानिब जहां से वो दोनों घुड़सवार नमूदार हुए थे और फिर झगड़ा हुआ था। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि शानी ने दूर से किसी घुड़सवार को देखा तो इसका दिल धक से रह गया और जेन में इसी फाखा नामी घुड़सवार का हौला उभर आया। वो 2-3 बार वो रात को डरी भी। एक मरतबा आदिल भाई के किसी दोस्त ने बड़े जोर से हवेली के बिरौनी दरवाजा खटखटा दिया, दूसरी मरतबा करीबी घर से एक नाकबजन पकड़ा गया और उसकी वजह से शोर बुलंद हुआ था। दोनों मरतबा पता नहीं क्यों आपो आप इसका ध्यान अजनबी घुड़सवार की तरफ चला गया था। बहरहाल जूजू दिन गुजरते गए, शानी के जेन से घुड़सवार से दूसरी मुलाकात का खौफ कम होता गया। ये इंसानी जेन की खसूसियत है कि इसमें कोई भी खुशी या परेशानी ता देर अपनी शिद्दत बरकरार नहीं रख सकती। 3-4 माह बाकी बात है कि एक रोज शानी अपने बाबा जान की पाइंती की तरह बैठी इनके पांव दबा रही थी, साथ साथ उन्हें एक किताब भी पढ़कर सुना रही थी। एक जगह कहानीकार ने लिखा था, कभी कभी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और समझते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन खतरा अपनी जगह मौजूद रहता है, बल्कि अक्सर पहले से भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अपने आप को खुश और नॉर्मल रखने के लिए अक्सर हमें खुद को धोखा देना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है कि सब अच्छा है, जबकि सब अच्छा नहीं होता। हम वक्त को टालते रहते हैं, वक्त टलता रहता है, लेकिन परेशानी और तकलीफ कैंसर के किसी अंदरूनी फोड़े की तरह अपनी जगह मौजूद रहती है। ये तहरीर पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों अचानक ही कई रोज बाद शानी का ध्यान एक बार फिर अजनबी घुड़सवार की तरफ चला गया। वो ये सोचकर कांप गई कि किसी रोज वो खबीस अचानक ही तो इसकी पुरसकून जिंदगी को धरम भरम नहीं कर देगा। पता नहीं वो कहां ओझल हो गया था, अगर वो इसे एक दो बार नजर आ जाता, इसे घूरता या तंग करने की कोशिश करता या किसी और तरीके से अपनी वजूदगी साबित करता तो शायद शानी के जहन से इसके हवाले से इतना खौफ ना होता। लेकिन वो तो उस दिन के बाद नापैदा हो गया था। शानी ने एक दफा अपनी दादी से सुना था, जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब्बाजान की आवाज ने एकदम शानी को चौंका दिया, वो शानी कहां गुम हो गई है पढ़ते पढ़ते। शानी बुरी तरह चौंक गई, किताब संभालते हुए बोली, का कुछ नहीं अब्बा जी, वो यूं ही एक बात याद आ गई थी। तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटी, चौधरी इरशाद ने बड़े लाड से पूछा। नहीं अब्बा जी, आपके होते हुए परेशानी की क्या मजाल की, मेरे पास आए। चौधरी इरशाद ने अपने सफेदी माल बालों में उंगलियां चलाई और बोले, धीरानी तू जानती है आजकल अपने काम के बखेड़े में उलझा हुआ हूँ, वाही बीजी के खर्चे रोज बरोज ज्यादा होते जा रहे हैं, खादों की कीमतें आसमान पर है, बीज कीड़े मार दवाइयां खेत मजदूरी बिजली डीजल हर शय के रेट चढ़े हुए हैं, पर फसल के रेट वही के वही है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी गंदम की फसल का हाल अच्छा नहीं होगा। अब्बा जी आप परेशान ना हुआ करें, इतना सब ठीक हो जाएगा, आधा कर्जा तो उतर ही गया है, बाकी भी जल्दी उतर जाएगा। चौधरी इरशाद गहरी सांस लेकर रह गया, वो बेटी को कैसे बताता कि कर्जा वही का वही है। इसके छोटे बेटे आदिल सुल्तान ने 2-3 माह पहले फैसलाबाद से चंदन सस्ती इलायची खरीदी थी, बाद में ये इलायची चोरी की निकली, आदिल के सौदे में मुनाफा तो क्या होना था, असल रकम भी हाथ से निकल गई। चौधरी इरशाद को फौरी तौर पर 30-35 लाख का इंतजाम करके इसे देना पड़ा। दरअसल ये उधार तब से चला आ रहा था जब शानी की वालदा बीमार हुई और इसके इलाज मुआवजे पर चौधरी इरशाद को रुपया पानी की तरह बहाना पड़ा।
इसने जमीन रहन रखकर कुछ कर्जा बैंक से लिया, कुछ इधर उधर से इकट्ठा किया। ये मिल मिलाकर तकरीबन 70 लाख रुपया बन जाता। इससे तकरीबन 35 लाख रुपया इससे पिछले साल चुका दिया था, क्योंकि रबी और खरीफ दोनों की फसलें अच्छी हुई थी। मगर तकरीबन इतनी रकम 3-4 माह पहले इसे फिर से उधार लेना पड़ गई थी। चौधरी इरशाद का हाथ रोज रोज तंग होता जा रहा था, लेकिन इसने घर वालों और खुसूसन शानी से अपने परेशानी छुपा रखी थी। वक्त गुजरता रहा और 2 साल इसी तरह मजीद गुजर गए। शानिया भरपूर जवान थी, इसकी उम्र 20 से कुछ कम ही होगी। इसका अंग अंग लश्कारे मारता था और तन बदन में जवानी का रस भरा हुआ था। वो अपनी तरफ देखने वाले का दिल मोह लेती थी। लड़के तो लड़के, इसकी सहेलियां भी इसे आशिकाना नजरों से देखती थी। इसकी हिन्नी जैसी आंखें, मासूम मुस्कुराहट, लंबे सियाबाल, नहायत मुतवाजन और नाजुक जिस्म, और सबसे बढ़कर इसकी गुफ्तगू का दिलरुबा अंदाज, इससे मिलने वाला इसकी तरफ खिंचता हुआ चला जाता था। बड़ी बुढ़िया कहती थी कि बड़ी किस्मत वाला होगा जो गांव की इस रोशनी को डोली में बंद करके अपने घर ले जाएगा। हाल और मुस्तकबिल की फिक्रों से आजाद वो अपने बाबुल के आंगन में कलांचे भरती फिरती थी। इसकी चूड़ियों की छनछन, इसकी पाजेब की झनकार, इसकी दिलगुदाज हंसी से ये सब मिलकर हवेली को जगमगा देते थे। वो एक खुशरंग तितली की तरह चौधरी इरशाद के इर्द गिर्द चकराती रहती थी, और चौधरी इरशाद ये सोचकर गमजदा हो जाता था कि अब ये तितली बहुत जल्द इसकी नजरों से ओझल होने वाली है। वो इसके घर की रौनक थी, इसकी जिंदगी का जवाब थी, लेकिन इसे किसी और का घर बसाना था, किसी और की जिंदगी बनना था। वो इतनी प्यारी थी कि चौधरी इरशाद नजर भरकर इसकी तरफ देखता ही नहीं था, या शायद इसलिए नहीं देखता था कि वो तो इसकी है ही नहीं। इसने तो बस एक मेहमान की तरह 18-20 बरस इस घर में गुजारे हैं, अब इसे अपने असल घर चले जाना है, बाबुल के आंगन को हमेशा के लिए उदास छोड़कर। इस आंगन में बस इसके चहकों की बाजगश रह जानी है, या इसकी गुड्डे गुड्डे और पुराने कपड़े। जिंदगी में हर मोड़ अपने मुकर्र वक्त पर पहुंच जाता है। जिंदगी के सफर की रफ्तार सुस्त करके ऐसे मोड़ों को थोड़ी देर के लिए टाला तो जा सकता है, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। शानी की शादी का मोड़ भी जल्द ही पहुंच गया। खानदान में तो कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसके बारे में सोचा जा सकता। यकीनी बात थी कि लड़का खानदान से बाहर का ही होगा। 2-3 महीने तक खामोशी से तलाश होती रही। इस दौरान में एक लड़का चौधरी इरशाद और इसकी माँ बोली बहन, इसकी मुंह बोली बहन आमिना यानी शानी की भूपी को भी पसंद आया, लेकिन लड़के वाले हैसियत के लिहाज से कम थे। चौधरी इरशाद चाहता था कि सुमधि बहुत अमीर कबीर ना हो, लेकिन हम पल्ला तो हों। शानी नाजो नाम में पली थी। इसने एक बड़ी हवेली में आंख खोली थी। इसकी बेशतर जरूरियात बगैर कहे पूरी होती थी। मेहनत मुशक्कत की इसे आदत नहीं थी। चौधरी इरशाद और इसकी बहन को ये सारी बातें मद्देनजर रखना थी। इसके अलावा इन्हें यह भी देखना था कि शानी इनसे कहीं बहुत दूर ना चली जाए, वो इसे आसपास ही रखना चाहते थे। शानी ने देही इलाके में रहने के बावजूद इंटरमीडिएट किया हुआ था। कोई ऐसा लड़का भी मुंतखब नहीं किया जा सकता था जो अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा हो। बहुत सी बातें सोचने की थी। चौधरी इरशाद और इनकी मुंह बोली बहन जब इस मुंह पर निकले तो उन्हें अंदाजा हुआ कि मामला इतना आसान भी नहीं। मुनासिब रिश्ता ढूंढने के लिए इन्हें काफी भागदौड़ करना पड़ेगी। इन्हीं दिनों शाना की शानी के एक चचा रईस अहमद ने एक अच्छे रिश्ते का सुराग दिया। लड़का मुकामी मेयार के मुताबिक पढ़ा लिखा भी था। लाहौर में इसने टेक्सटाइल का कारखाना लगा रखा था। गाँव में भी जमीन थी, खाते पीते लोग थे। शानी का चचा रईस अहमद इन्हें काफी अरसे से जानता था। कुछ अरसे से रईस अहमद की जमीनों की सारी कपास इसी फैमिली की टेक्सटाइल मिल में जाती थी। मालूम हो कि रईस अहमद ने टेक्सटाइल के काम में थोड़ा बहुत सरमाया भी लगाया हुआ है। शानी के चचा यानी रईस अहमद की बात पूरे घराने में मानी जाती थी। खास तौर से चौधरी इरशाद छोटे भाई की बात को बहुत अहमियत देते थे। वो उनसे छोटा था, इसके बावजूद इसे इज्जत और एहतराम से रईस जी कहकर बुलाते थे। रईस अहमद ने जब रिश्ता का बताया और ये बताया कि लड़का और खानदान इनका देखा भाला है, तो चौधरी इरशाद लड़का देखने से पहले ही 50% आमादा हो गए। चंद दिनों बाद देख परख के मरहले का आगाज हुआ। पहले चौधरी इरशाद, आमना रईस अहमद और आमना की बेटी निगत लड़के वालों के घर गए। इसके बाद लड़की की भाभी और चंद रिश्तेदार औरतें शानी को देखने आए। बजाहिर लोग अच्छे ही लग रहे थे, खुशहाल और रखरखाव वाले भी नजर आते थे। उन्होंने शानी को देखा और पसंद किया। खवातीन के साथ आने वाले एक 7-8 साल बच्ची को तो शानी इतनी पसंद आई कि इसने 1.5-2 घंटे तक शानी की गोद से उतरने का नाम नहीं लिया। 2 हफ्ते बाद शानी की फैमिली के कुछ और लोग लड़के वालों के घर गए और तकरीबन मुतमईन होकर वापिस आए। सिर्फ फूफी आमना का ख्याल था कि लड़का उम्र में थोड़ा ज्यादा है। शानी 20 साल से भी कम थी, जबकि लड़की की उम्र 28 के करीब थी।
इस मौका पर रईस अहमद ने जोर देकर कहा कि लड़कों के ब्याह के हवाले से 28 साल उम्र ज्यादा नहीं है। सबसे अहम बात है कि लड़का अपना कारोबार रखता है, खुद मुख्तार है, नंदो देवरों वगैरह का भी कोई झंझट नहीं। चौधरी इरशाद ने कहा, भाई डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह तो आजकल 35 साल के बाद शादियां कर रहे हैं, 28-29 साल ज्यादा उम्र नहीं है। वैसे भी लड़कों में जाहिरी खूबियों से ज्यादा अंदरूनी खूबियां देखनी चाहिए। सिलसिला जनबानी जारी रहा और फिर एक रोज भारी भरकम कपड़ों और जेवरों से लदी हुई कुछ औरतें आई और शुगन कर गई। लड़की की भाभी ने बड़ी शफकत से शानी के सर पर हाथ फेरा और इसका मुंह मीठा कराया, इसके हाथ में कुछ रुपए थमा दिए। शानी की आंखें डुबडुबा गई, वो समझ गई कि इसे देश निकालने की सजा मिलने का वक्त आ गया है। एकदम ही अपना घर इसे पराया लगने लगा, इसके कदम जैसे जमीन से उखड़ गए, वो आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक हो गई। चंद रोज बाद शादी के घर वाले भी गए और लड़के के हाथ पर रुपए रखा है। इस बात की निशानी थी कि दोनों घरानों को रिश्ता मंजूर है। 5-6 रोज तक शानी रोती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया। अपनी मरहूमा माँ की बातें से याद आने लगी। वो इसका सर चूमकर कहा करती थी, तू पराया धन है बेटी, धी रानियां पैदा होती दूसरे घर की होती हैं, धी गरीब की हो या करोड़पति की, इसे अपना घर छोड़कर दूसरा बसाना ही पड़ता है। पहले तो शानी हैरान होकर सोचती थी कि वो इतना सब कुछ कैसे छोड़ सकेगी। अपना गांव, गांव की गलियां, गांव के लोग, सहेलियां, अपने अब्बाजी, अब्बाजी का बेड़ा, बेड़े में नीम का दरख्त, दरख्त पर चहकती चिड़ियां, यहाँ की सुबह और यहाँ की शामें। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका दिल हौसला पकड़ने लगा। सकीना दिन रात इसके साथ चिपकी रहती और खट्टी मीठी बातें करती थी। इसकी बातें सुन सुनकर शानी के सीने में कहीं गहराई के अंदर एक मीठी मीठी सी लहर भी जागने लगती थी। इसने अपना होने वाला दूल्हा अभी तक नहीं देखा था, मगर इसकी नुरीदी सी तस्वीर शानी के दिलो दिमाग में जगह बनाने लगी। शोहर और बीवी के बाहमी तल्लुकात के हवाले से शानी हैरान कुन हद तक मासूम थी, मगर सकीना दिन रात इस कोशिश में लगी हुई थी कि वो मासूम ना रहे। कभी कभी सुगरा भी साजिश में शरीक हो जाती थी। शानी कभी गुस्सा करती, कभी शर्मा जाती और कभी सुनी अनसुनी कर देती। घर में शानी की ब्याह की तैयारियां चुपकी चुपके शुरू हो गई थी। फूफी आमना शानी की एक मुमानी के साथ हर दूसरे तीसरे हफ्ते लाहौर जाने लगी और सामान से लदी भंदी वापिस आने लगी। एक बार आदिल और एक बार अब्बा जी भी इनके साथ लाहौर गए। अब्बा जी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आजकल मामूल से गहरी हो गई थी। शानी को देखकर वो एकदम मुस्कुराने लगते थे और यूं जाहिर करते थे कि इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, लेकिन शानी जानती थी कि वो अंदर से कितने परेशान है। एक तो जाहिर है कि शानी की जुदाई ही की फिक्र थी, इसके अलावा इनकी मौशी हालत भी अच्छी नहीं थी। इकलौती बेटी की शादी थी, लड़के वाले भी खुशहाल थे, जरूरी बात थी कि शादी के इंतजाम शान शान हों। चौधरी इरशाद जैसे वजादार शख्स के लिए यह हर किस मुमकिन नहीं था कि बेटी की शादी पर किसी भी हवाले से अपना हाथ खींच कर रखता। शानी और आदिल सुल्तान जानते थे कि इनके अब्बा जी आजकल तंगदस्त हैं और वो जबरदस्त खुशहाली जो वालदा मरहुमा के दिनों में थी अब मुकम्मल तौर पर ओझल हो चुकी है, लेकिन असल हालात से वो भी बेखबर थे। चौधरी इरशाद का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था, तकरीबन 2 मुरब्बे नहरी जमीन का मुकदमा चल रहा था और पिछले 3 सालों में लाखों रुपए इस मुकदमे पर खर्च हो चुका था, जो जमीन जेरे काश थी इसकी आमदन भी कम होती जा रही थी। इस कम आमदन में ही कर्ज की किस्तें अदा होती थी और सारे अखराजात चलते थे। ये बड़ी कीमती नहरी जमीन थी और इसी की वजह से अभी तक चौधरी इरशाद के घराने का भरम कायम था, लेकिन अब चौधरी इरशाद के पास इसके सिवा चारा नहीं था कि इसमें से कम अज कम एक तिहाई जमीन बेच दें। बढ़ते हुए मुआशी तकाजों का जवाब इसके अलावा और क्या हो सकता था। बाहर का मौसम शुरू होने वाला था, पहले मंगनी का प्रोग्राम बना, लेकिन फिर यह तय हुआ कि 1-1.5 महीने के अंदर शादी हुई हो जाए। शादी का प्रोग्राम वसी पैमाने पर तैयार किया गया था। चौधरी इरशाद के घराने में रिवाज था कि तकरीब से एक माह बेशतर ही चूल्हे पर देगे चढ़ा दी जाती थी। रोजाना औरतें इकट्ठी होती थी, ढोलक बजती थी, गीत गाए जाते थे, सबको दावत आम होती थी, जिसका जी चाहे आता था और मेहमान की हैसियत से खाना खाता था। शादी की तारीख तय हो गई, ये 3 हफ्ते बाद की तारीख थी। मुकामी रिवाज के मुताबिक इसे दिन मिथना कहते थे। दिन मिथने के साथ ही शादी की रौनक शुरू हो गई। नाई देगे खड़काने लगे और हवेली के सेन में एक जरनिगार शामियाने के नीचे ढोलक की आवाज गूंजने लगी। शानी को मालूम था कि अब्बाजी ने अपनी रहरी जमीन का कुछ हिस्सा फरोख्त कर दिया है। इस सौदे के बाद वो कई रोज तक गुमसुम भी रहे थे, लेकिन आजकल वो खासे मुतमईन नजर आते थे।
शानी ने इनके चेहरे पर खुशी की झलक देखी थी। एक रात जब वो अब्बा जी को दूध देकर इनके पाँव दबाकर वापिस आ रही थी तो हवेली के बरामदे में भाई आदिल से मुलाकात हो गई। वो शलवार कमीज में था, लंबे बाल शानी पर झूल रहे थे। इसकी चोटी पकड़ते हुए बोला, कहाँ से आ रही है छिपकली? वो अच्छे मूड में अक्सर इसे इसी नाम से पुकारता था। अब्बा जी के पाँव दबाकर आ रही हूँ, कभी तुम भी दबा दिया करो। जब तुम चली जाओगी तो मैं ही दबा दिया करूंगा, अभी तो गुजारा हो ही रहा है। सारे अच्छे कामों के लिए मेरे जाने का इंतजार हो रहा है, यही समझ लो, आदिल ने कहा। फिर बात बदलते हुए बोला, वैसे छिपकली लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अच्छा खामिद मिल रहा है तुझे। शानी का रंग हया से सुर्ख हो गया, नाजुक गुलाबी रुखसारों के नीचे जैसे दो शम्मे जल उठी। इससे पहले कि शानी कोई जवाब देती, आदिल गहरी संजीदगी से बोला, मजाक की बात तो अलग रही, लेकिन बंदा है समझदार और हमदर्द, दोस्त बनाना और संभालना जानता है। चाचा रे ऐसे ही इसके गुण नहीं गाते। क्या कहना चाहते हो? शानी ने पूछा। इसने अब्बा जी को भी टेक्सटाइल के काम में पैसा लगाने की ऑफर की है और मैंने गौर किया, ये बड़ी अच्छी ऑफर है। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि हमारी कपास की फसल भी अच्छे दामों बिकेगी, क्योंकि खेत से सीधी फैक्ट्री पहुंचेगी। यही नहीं कि इसमें हमारा ही फायदा है, तुम्हारे दूल्हा मियाँ को भी फायदा होगा। आखिरी अल्फाज कहते कहते आदिल का लहजा भी शरारती हो गया था। शानी इसके बाल पकड़ने के लिए झपटी, वो फुर्ती से पीछे हट गया, फिर हंसता हुआ बाहर निकल गया। शानी की नहायत पतली कमर बल खाकर रह गई थी। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर भाई को मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी। दो हफ्ते तक शादी का हंगामा जारी रहा। जो यूं शादी का दिन नजदीक आ रहा था, हवेली की रौनक में इजाफा हो रहा था। पूरी इमारत का रंगो रोगन मुकम्मल हो चुका था, दरख्तों की काट छाट हो गई थी, नए पौधे लग गए थे। गांव से गुजरकर हवेली तक आने वाले रास्ते को बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया गया। जहां से ईंटें उखड़ी हुई थी वहां नई ईंटें लगा दी गई। कमरों को खूब अच्छी तरह लेप पोत दिया गया। गांव में बिजली मौजूद थी, तहम इजाफी रोशनी के लिए गुजरांवाला से 10 जनरेटर्स मंगवा लिए गए। परात को रात ही गाँव में रहना था। इनकी रहायश और ताम का बसी बंदोबस्त एक हफ्ता पहले ही कर लिया गया। बरातियों की तफरीक के लिए खेत तमाशे और शिकार वगैरह का इंतजाम भी कर दिया गया था। चौधरी इरशाद ने 6 साल पहले अपने बड़े बेटे सजावल की शादी पर बड़े चाव और धूमधाम से की थी। अब वो ये नहीं चाहता था कि बेटी की रुखसती में किसी तरह की कमी रह जाए और किसी को ये कहने का मौका मिले कि बेटा बेटा ही होता है। जिस दोपहर शानी को बुसीदा से कपड़े पहनाकर मायों बिठाया गया और इसकी झोली में रस्म के तौर पर उबली हुई गंदम डाली गई, वो देर तक सोचों में गुम रही। अपनों से जुदा होने के दिन करीब तर आ रहे थे। एक मीठा सा रिश्ता टूट रहा था और एक खट्टा मीठा सा रिश्ता बन रहा था। जब मायों की रस्म खत्म हुई तो सपहर होने वाली थी। गांव की सुहागनी और कुंवारियां कुछ देर के लिए घरों को चली गई ताकि शाम को फिर से ताजा दम होकर ढोलक बजाने और नाचने गाने के लिए तो हवेली आ सके। शानी कुछ देर आराम करने के लिए छत पर चली गई। छत से दूर तक गाँव के हरे भरे खेत खलियान नजर आते थे और वो रास्ता भी नजर आता था जिस पर किसी को आना था। ठीक 7 रोज बाद किसी दूर दराज गांव से इसे यहां पहुंचना था और हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना था। इस वादे के साथ कि उसे इज्जत मोहब्बत और खलूस देगा, इन जख्मों पर अपने हुस्न सलूक का मरहम रखेगा जो बाबुल के घर से जुदाई के सबब शानी के दिल पर लगेंगे। वो इसे शरीक हयात बनाएगा और हर दुख सुख में हमेशा इसका शरीक रहेगा। वो सोच रही थी जब अमना फूफी की बड़ी बेटी फौजिया सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आ गई। इसके चेहरे पर दबा दबा जोश था, गालिबन इसके पास कोई अहम खबर थी। फिर शानी को अंदाजा हुआ कि इसने कोई शय अपनी ओढ़नी के पल्लू में छुपा रखी है। क्या है ये? शानी ने गौर से ओढ़नी के पल्लू को देखते हुए कहा। इतनी मामूली चीज नहीं कि यूं ही दिखा दो, पहले हमारी मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी भाई। अच्छा कर दूंगी। नहीं नहीं, 500 रुपये निकालो, कल सपहर मुंशी खादिम को गुजरांवाला भेजेंगे, वहां से रसमलाई मंगवाएंगे। अच्छा भाई दिखाओ तो सही, क्यों परेशान कर रही हो? ना जी ना, उधार नहीं चलेगा, पर देशों से उधार करना ठीक नहीं होता। कुछ देर तक दोनों में तकरार होती रही। फिर शानी ने वादा कर लिया कि वो भी नीचे जाकर 500 रुपये दे देगी। फौजे ने अंदरूनी जोश को वो मुश्किल छुपाते हुए कहा, तुम्हारे उस होने वाले की तस्वीर है, अम्मी ने बड़ी मुश्किल से ली है, वो तो देते ही नहीं थे, कहते थे हमारे यहाँ रिवाज नहीं। अम्मी ने बहुत मिन्नत की तो कहने लगे, कोई अच्छी तस्वीर नहीं तुम्हारी होने वाली जीठानी ने बस किसी तरह एक एल्बम से निकाल कर दी। शानी का दिल एक बार की शिद्दत से धड़कने लगा।
सांसों की लय खुद बखुद चढ़ गई। एक बात उसके जी में आई कि फौजे से कह दे कि वो तस्वीर देखना नहीं चाहती। जब जीता जागता शख्स 7 दिन की दूरी पर था तो फिर तस्वीर देखने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर फौजिया का जोशो खरोश देखते हुए इनकार ना कर सके। फौजिया ने बड़े ड्रामाई अंदाज में ओढ़नी का पल्लू आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर से सिरकाना शुरू किया। पहले सर से पर्दा सिरका, फिर आंखों से, फिर मुंह से, फिर वो पूरे को पूरा शानी के सामने था। शानी के जहन में झमाका सा हुआ, इसे कुछ याद आ रहा था। इसकी रीढ़ की हड्डी में सर से लहर दौड़ने लगी, फिर इसका रंग जर्द होता चला गया। वो इस तस्वीर को पहचान रही थी। इसके जहन के किसी दूरदराज गोशे में भी अंदेशा मौजूद नहीं था कि फौजिया की ओढ़नी के पीछे से ये चेहरा नमूदार होगा। फौजिया की आवाज दूर अफ्तादा आवाज जैसे किसी कुएं के अंदर से बरामद हो रही थी। वो शानी के गांव तक पहुंची। ये है फाखिर अहमद साहिब, हमारे जीजा जी और तुम्हारे वो। नाक जरा सी बड़ी है लेकिन थोड़ी की वजह से ऊपर नहीं लगती है। बाल तो जबरदस्त घुंघरियाले हैं और आंखें देखो तो कैसे चमकती हुई है। शानी भी इन आंखों में ही देख रही थी। हाँ, ये वही आंखें थी, 100% वही आंखें थी। इसे वो भूला बिसरा सा मंजर एकदम याद आ गया। इस शख्स का शानी के जख्मी बाजू की तरफ हाथ बढ़ाना, शानी का एक कदम पीछे हटकर इसके मुंह पर तमाचा मारना, इसके राइफल बरदार करिंदे का मुश्तैल होना और गजबनाक अंदाज में शानी की तरफ बढ़ना, फिर इस शख्स को अपने करिंदे को रोक देना और कहना, नहीं अकबरे, जाने दे इसे। इसके बाद फाखा नामे इस शख्स ने इन्हीं आंखों से इसे घूरा था। हाँ, यही बर्मे की तरह छीतती आंखें थी। ये आंखें आज भी शानी को छीत रही थी। ये आंखें बाजुबाने खामोशी शानी से कह रही थी, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुमने कैसे समझ लिया कि बात सर्दियों की उसी शाम को उसी कुएं के किनारे खत्म हो जाएगी? बात खत्म ही हुई है, बात तो अभी दूर तक जाएगी। फौजे भी तस्वीर की तरफ देख रही थी, इसलिए शानी के तासुरात इसकी नजर से ओझल थे। चंद लम्हे बाद जब फौजिया ने शानी की तरफ देखा तो अपने तासुरात पर किसी हद तक काबू पा चुकी थी। फिर भी इसकी शफाफ पेशानी पर पसीने की नमी चमकने लगी। फौजिया ने बड़े गौर से शानी का चेहरा देखा और बोली, क्या बात है भाई, तुम तो गुमसुमी हो गई। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पसीने छूट गए हैं। ये कोई ऐसा डरावना चेहरा तो नहीं है मेरी जान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फौजिया पोस्ट कार्ड साइज तस्वीर पर निगाहें जमाते हुए बोली, आजकल के मुंडे तो बस कुड़िया की तरह होते हैं, खास तौर से शहरी मुंडों को तो हाल ही ना पूछो। इस चेहरे को देखो, माशाल्लाह मर्दानापन है। मर्द थोड़े से करख ना हो तो मर्द लगते ही नहीं। मुझे तो ये किसी ढोल सिपाही की तरह लग रहा है, जीदार, तीखा और एकदम कड़क। फौजिया बोल रही थी लेकिन इसकी आवाज जैसे शानी के कानों तक पहुंच नहीं रही थी। इसके जेहन में तो बस एक ही सवाल की गूंज थी, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया? इसने खुद को बड़ी मुश्किलों से संभाल रखा था। पता नहीं कब फौजिया की बातें खत्म हुई, कब शानी छत से उतरी और कब अपने कमरे में बंद हो गई। बाहर जरनिगार शामियाने के नीचे ढोलक बज रही थी, चंद लड़के लहक लहक कर गा रही थी। शानी के दिमाग में आंधी सी चल रही थी। इस आंधी में खूबसूरत ख्याल खुश्क पत्तों की तरह उड़ते फिरते थे। इसका दिल गवाही दे रहा था कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है, एक गहरी साजिश के तहत। ये शख्स मनसूबाबंदी के जरिए आगे बढ़ा है और बिलाखिर इस तक आ पहुंचा है। चचा रीस के साथ इसकी दोस्ती भी यकीनन इसी मंसूबे का हिस्सा रही होगी। इसने इन्हें मुट्ठी में लिया था क्योंकि वो जानता था कि चौधरी इरशाद के खानदान में इसकी बात बहुत मानी जाती है। इसने इनके जरिए रिश्ते की बात आगे बढ़ाई थी और अब तो सूरत हाल ये थी कि शानी के अब्बा जी यानी चौधरी इरशाद खुद भी इसके गुण गाते थे। फिर इसके जहन में अपने गाँव के बाबे नत्थे का ख्याल आया। बाबे नत्थे ने शख्स के बारे में जो कहा था वो शानी के कानों में गूंजने लगा। बाबे नत्थे को फोत हुए 2 साल गुजर चुके थे। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? वो सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी, लड़की इतनी बेबस और बेखबर क्यों होती है? जिनके साथ इन्हें जिंदगी बिताना होती है, पूरी हयाती का सफर तय करना होता है, वो इनकी शक्ल भी नहीं जानती। इनकी शक्ल इस वक्त इनके सामने आती है जब वो सुहाग की सेज पर होती है और होने वाला शोहर और होने वाला हर काम पूरा हो चुका होता है। इसके बाद इन्हें सिर्फ कबूल करना होता है
और खुद को समझौतों के आगोश में गिराना होता है। शानी अपनी जगह खड़ी हो गई। इसने फैसला किया कि अभी अब्बाजी के कमरे में जाएगी। सारी मसलतें और सारे अंदेशे बालाए ताक रखकर हर बात इन्हें बता देगी, इन्हें समझा देगी कि दरअसल ये फाखिर कौन है और इस शादी की आड़ में वो कौन सी पुरानी रंजिशें चाहता है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर दरवाजे फिर बढ़ते बढ़ते रुक गई। इसे जैसे किसी ने थाम लिया था। इसने मुड़कर देखा, लेकिन अक्कम में कोई नहीं था। शायद इसने खुद ही अपने आप को रोका था। वो बेकरारी से कमरे में टहलने लगी। अब्बा जी का चेहरा बार बार इसकी निगाहों में घूमने लगा। आजकल कितने खुश और मुतमईन थे वो इनका सारा इत्मीनान खर्च करने जा रही थी। इसकी शादी पर वो लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। वो लाखों का इंतजाम इंसराम हो चुका था। सब कुछ तैयार मुकम्मल था। कार्ड्स तक बांटे जा चुके थे। कई हफ्तों की भाग दौड़, मेहनत और मुशक्कत और दूसरी अब सिला पाने वाली थी, सिर्फ 6 दिन दरमियान में थे। और ये कैसा तकलीफ दे इंकशाफ हुआ था शानी पर। वो बेदम सी होकर सोफे पर ढह गई। वो अब्बा जी के हद से बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में अच्छी तरह जानती थी। इसे अंदाजा था कि इनका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। वो अपनी इज्जत और सफेद पोशी का भरम रखने के लिए बड़े जतन कर रहे थे। वो सोचने लगी कि शादी की तकरीबात के इस आखिरी मरहले में वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लेंगे। वो पहले ही बीमार थी, क्या ये धचका इनके लिए काबिल कबूल होगा? तो फिर वो क्या करे कि सब कुछ जानते बूझते खामोश रह जाए, अपने आप की कुर्बानी दे दे। फौरन एक दूसरा सवाल इसके जहन में उठा। किसी ने इसके अंदर से पुकार कर कहा, तुम अपने अब्बा जी को एक सदमे से बचाने की कोशिश में लगातार सदमों के हवाले कर दोगे। जब शादी के बाद तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी तबाह होगी, तुम्हें धक्के देकर ससुराल से निकाला जाएगा या जरीरो खार करके रखा जाएगा, तो फिर अब्बा जी सदमों से दो चार नहीं होंगे। बेहतर है कि ये कड़वा घूंट अभी भर लो, अभी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, हिम्मत करो और सब कुछ अपने बड़ों के गोश गुजार कर दो। वो माही भी आपकी तरह तड़पती रही और कमरे में घूमती रही। सहेलियां बार बार आई ताकि इसे शामियाने में ले जाकर सुहाग के गीत गा सके और इसके कानों में नर्म गर्म सरगोशियां कर सके, लेकिन इसे तबीयत का बहाना बनाकर हर बारी ने मना कर दिया। रात को बहुत थोड़ी देर के लिए सो सकी। सुबह सवेरे इसने खिड़की से देखा तो अब्बा जी सेन की घास पर नंगे पांव टहल रहे थे। शानी की आंखें भर आई। इसने इरादा किया कि दरवाजा खोलकर निकले और भागकर अब्बा जी के गले लग जाए, फिर इसी तरह गले से लगे सब कुछ इन्हें बता दे। गालिबन वो इसी इरादे से बाहर भी निकली, लेकिन फिर एकदम ठिठक गई। उस स्तून की ओट में खड़ी हो गई। इसने सुना अब्बा जान गुनगुना रहे थे, होले होले बाले होले होले बाबा बुल्ले शाह की कोई काफी इनके होंठों से मुतरनम शक्ल में निकल रही थी। आज बहुत अरसे बाद, शायद 60-150 साल बाद, इसने अब्बा जी को यूं गुनगुनाते सुना था। इनका गुनगुनाना इस बात की अलामत थी कि वो खुश है। वो उसी वक्त गुनगुनाया करते थे जब खुश होते थे। वो बचपन से इनकी आवाज़ सुनती आई थी, कभी इनकी छाती पर सर रखकर, कभी इनके कंधे पर सवार होकर, कभी इनके साथ खेतों की सैर करते हुए। इनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। इस आवाज़ के साथ खुशी की एक लहर सी सफर करती थी और शानी के दिल में उतरा करती थी। एक दम ही शानी के सारे इरादे रेत की दीवारों की तरह धर्म से गिर गए। इसी दौरान अब्बा जी ने इसे देख लिया। ओए शानी, वहां क्या कर रही है? ऊंची आवाज में बोले। बस आपको देखकर बाहर निकल आई। अब निकल आइए तो इधर आओ, घास पर नंगे पांव चलकर देखो कितना मजा आएगा, वो बोले। शानी बाहर सेन में आ गई और शबनम आलूद घास पर नंगे पांव अब्बा जी के साथ चलने लगी। उन्होंने चलते चलते अपना एक बाजू शानी की कंधों पर रखा और उसे अपने साथ लगा लिए। इसी तरह चहलकदमी करते हुए बोले, आज रात मैं देर तक तेरे बारे में सोचता रहा। सवेरे आदल की हालत अजीब हो रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो दुआ भी मांगूंगा जरूर पूरी होगी। मैंने ये घास पर नमाज पढ़ी और फिर तेरे लिए बड़ी लंबी दुआ मांगी। दुआ मांग कर मेरे दिल को अजीब सी तसल्ली हो गई। मुझे लग रहा है कि हमने तेरे लिए जो फैसला किया है वो बड़ी बरकत वाला है। तू बहुत खुश रहेगी शानी, देखना तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुमसे जुदा हुई है। ये कैसे हो सकता है अब्बा जी, वो गहरी उदासी से बोली और कुछ और भी बाप की बगल में घुस गई। देख लेना ऐसा ही होगा।
फाखर बड़ा अच्छा लड़का है। मेरे दिल की गवाही है कि तुम बहुत जल्द दोनों के मिजाज मिल जाएंगे। ऐसी अपनायत होगी तुम दोनों में कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। शायद चौधरी इरशाद कुछ और भी कहते लेकिन यह महसूस करके कि बेटी शर्मा रही है और उनके बाजू के नीचे सिमट रही है तो उन्होंने मौजू बदल दिया। पता है मैं यहाँ नंगे पांव घूमते हुए क्या गुनगुना रहा था? क्या इसने हुले से पूछा। ये काफी है, इसमें कहा गया कि गम और खुशी एक दूसरे के साथ है, जहां गम होगा वहां खुशी भी जरूर आएगी। शर्त सिर्फ यह है कि बंदा बुरे वक्त में सबर से अच्छे वक्त का इंतजार करे। बाप को खुश और मुतमईन देखकर शानी के ऊंटों को ताला सा लग गया। वो जो कुछ कहने आई थी वो इसके सीने में आग की तरह था लेकिन अब घुटकर चिंगारी की तरह रह गया। दोपहर से जरा पहले सकीना धमकी, वो जबरदस्त के कमरे में घुस आई और पलंग पर इससे बाकायदा कुश्ती करने लगी। साथ साथ उसे गुदगुदाती भी जा रही थी, ऐसी की तैसी तेरी तबीयत की, अभी तबीयत खराब होने के दिन कहाँ है, अभी तो तबीयत अच्छे होने के दिन है। शानी ने इसे बतेरा हटाने की कोशिश की मगर वो कहाँ टलने वाली थी। जब तक शानी के दूधे चेहरे पर थोड़ी सी हंसी नहीं आई इसने इसे छोड़ा नहीं। धीगा मुश्ती के बाद दोनों हाँप गई और फिर दूसरे के सामने बैठकर संजीदगी से देखने लगी। हाँ अब बता, क्यों तबीयत की खराबी का रोला डाल रही है, असल है बात क्या? गैर मुतवक्को तौर पर एकदम शानी की आंखों में आंसू मड आए। सकीना हैरान रह गई, वो समझ गई कि बात वाकई अहम है। इसने इसरार के साथ शानी से पूछा और शानी ने थोड़े से तजुर्ब के बाद सब कुछ सकीना के गोश गुजार कर दिया। दोनों सहेलियां बहुत देर तक गुमसुम बैठी रही। तकरीबन 3 साल पुराने वाकये की तफसीलात किसी फिल्म के मनाजिर की तरह की आंखों के सामने थी। काफी देर बाद सकीना ने शानी के बिखरे बिखरे बालों को इसके कानों के पीछे उठसा और खुलखुई आवाज में बोली, शानी ये सभी की इत्तफाक भी तो हो सकता है। नहीं सकीना, ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। कुछ देर गहरी खामोशी तारी रही, तब सकीना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, चलो मान लिया कि ये एक इत्तफाक नहीं, तो भी अब पीछे हटने वाली बात तो समझ में नहीं आती। ये तो बड़ी बदनामी वाला मामला हो जाएगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और सबसे बढ़कर चाचा जी का ख्याल आता है इनके दिल पर क्या गुजरेगी शानी, वो लोगों को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल किनारे पर पहुंचकर सब कुछ खत्म क्यों हो गया, यही सोच सोच कर तो मैं अपने अंदर मर रही हूँ। अब्बा जी पहले ही बाल बाल कर्जे में जकड़े हुए हैं, मेरी खुशी के लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या जतन किए हैं। अब बेटी का बार सर से उतारने का वक्त आया है तो सब कुछ चौपट हो रहा है। दोनों तादेर सर जोड़कर बैठी रही और अपनी अकल समझ के मुताबिक इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करती रही। इनकी सोच में संजीदगी थी और इस सारो सबर का वही अफाकी जज्बा था जो कुदरत ने बिनते हवा के अंदर रोज अव्वल से महफूज रखा है। धीरे धीरे शानी एक नतीजे पर पहुंच रही थी। सकीना ने इसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, मेरा दिल कहता है शानी सब ठीक हो जाएगा, वो तेरी मनमोहनी सूरत देखेगा तो सारी पिछली बातें भूल जाएगा, देख लेना तेरा प्यार इसे पीछे मुड़कर देखने नहीं देगा। अगर वो सख्त बात कहे भी तो तुम खामोशी से सुन लेना, बल्कि इससे माफी मांग लेना। अपने शोहर की इज्जत करने से औरत की इज्जत घटती नहीं बढ़ती है। लेकिन सकीना अगर फिर भी, मुझे यकीन है शानी तेरी मोहब्बत इसे सब कुछ भुला देगी। 4-5 दिनों में वो तेरे पांव धोता नजर ना आया तो मेरा नाम बदल देना। रात को भी शानी देर तक सोचती रही। सकीना ने जो कुछ कहा था वो गोया इसके अपने दिल की आवाज थी। सबसे अहम बात यह थी कि जो वाकया हुआ इसमें किसी के अदावत या कुदरत को दखल नहीं था, वो एक इत्तफाकी हादसा था। शानी की जगह कोई भी लड़की होती तो इस वाक्य में इसी तरह का रद्देमल जाहिर करती। शानी का दिल भी कह रहा था कि इसका होने वाला मजाजी खुदा इस मामूली से वाकये को बुनियाद बनाकर इसकी और अपनी जिंदगी में मुस्तकिल जहर नहीं खोलेगा। बहरहाल इन सारे मस्बत ख्याल के बावजूद वो अभी तक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच पाई थी। रात को वही वो जो अक्सर हुआ करता है, वो बिस्तर पर लेटी और इसने सोने के लिए अपना सर तकिए पर रखा तो इसकी नजरें खुद ब खुद सामने दीवार पर जम गई। वहां इसकी माँ की तस्वीर थी, हर की नीली कमीज जिसके गले पर खूबसूरत कढ़ाई थी, सर पर लैसदार दुपट्टा, चेहरे पर नेकी और आंखों में ममता का समंदर। तस्वीर की तरफ देखती रही, इसकी आंखों में नींद का खुमार था। धीरे धीरे जैसे तस्वीर में जिंदगी की लहर दौड़ती चली गई, फिर वो मुकम्मल तौर पर जिंदा हो गई।
जीती जागती अपनी लाडली की मोहब्बत से देखती हुई। अक्सर ऐसा हुआ करता था, माँ जीती जागती हालत में इसके सामने आ जाती थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन शानी इसकी आंखों से अपने हर सवाल का जवाब पढ़ लेती थी। कभी कभी तो यूं लगता था कि माँ इससे बहुत दूर होने के बावजूद इसके पास है, इसकी रहनुमाई करती है जैसे अपनी जिंदगी में किया करती थी। आज भी वो कुछ कह रही थी, अपनी लाडली के दर्द को महसूस करके इसकी दिलजोई कर रही थी। शानी ने गौर से माँ की आंखों में देखा कि आंखें जैसे कह रही थी, तुम जो कुछ सोच रही हो वो ठीक है, तुम आगे कदम बढ़ाओ, औरत तो नाम ही कुर्बानी का है। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, ये दास्तान भी जारी है, बाकिया वाक़या अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।